अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद कामरान शौकत है और मैं बेसिकली सऊदी अरब और बहरीन में पिछले 50 साल से रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी स्टडी की है पिछले 4-5 साल और सोच रहा था कि कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो उस बिज़नेस के लिए फिर ये है कि मैंने काफ़ी जो वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू की तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो गोट फार्मिंग है वो बेसिकली लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे होती है। तो उसके लिए आपको वीडियो के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई कर नहीं रहा है। धोखेबाजी भी है, हेरा फेरी भी है, झूठ भी हो रहा है, सब ड्रामेबाजी होती है यहाँ पे। तो काफ़ी मैंने जो 5 साल की स्टडी की तो मेरा बेसिकली साबिर गोट फार्म जो है इसमें साबिर से मेरा पिछले 4-5 साल से रब्ता था। तो आने से पहले मुझे लोगों ने बहुत कुछ बताया, आप ये नहीं करें, आप वो नहीं करें। तो मैं भाई सीधा आया, मैंने साबिर को फ़ोन किया है और साबिर लोगों के पास आया हूँ यहाँ पे। और आजकल तो रिश्तेदार जो है वो तो चाय भी नहीं पूछते। साबिर ने तो बाकायदा हमें रात को कमरा दिया अटैच बाथरूम के साथ, खाना खिलाया 2-3 टाइम का, उसके बाद गाड़ी पे अपना मंडी लेकर गया है, मंडी हमें दिखाई है, हमने जानवरों को खुद पसंद किया है कौन सा जानवर हमें चाहिए। और बेसिकली हम लोग एक बहुत बड़ा फार्म खोल रहे हैं लेकिन इनिशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कुछ ही दुम्बों वगैरह की थी। तो अभी हम लोगों ने तकरीबन 33 दुम्बे जो है वो इनसे ख़रीदे हैं और इंशाल्लाह फरवरी के अंदर जो है हम लोग आ रहे हैं बड़ी लॉट इनसे ख़रीदने। तो बेसिकली ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो बैठ के डरे हुए हैं कि यार ये साबिर पता नहीं हवा है या साबिर क्या है क्या नहीं है। आप मेरा कॉन्टेक्ट भी ले लें, साबिर अगर आपके साथ कुछ करता है तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा आगे। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसमें बहुत अच्छा बिजनेस है, बाकायदा जैसे आप देखते हैं कि बकरियां वगैरह जो हैं हर 6 महीने में 2 बच्चे देते हैं। एक फार्म खोलिए आप इनसे आके प्रॉपर, ये नहीं है कि ये फ्री में काम करते हैं, ये लोग फ्री में काम नहीं करते हैं लेकिन जो अपनी जायज़ रोज़ी है इन लोगों की वो ये आपसे जो है वो पर जानवर कुछ भी नहीं है, 300-400 रुपये लेते हैं। लेकिन ये है कि आपकी जो एक हेडिक है ना कि आप जा रहे हैं मंडी में, वहाँ 250 किस्म के आदमी हैं, हज़ारों एजेंट हैं, आपको पता नहीं आप किस तरह का जानवर ले रहे हैं। तो साबिर के साथ एक ये है कि आपको वैसे भी अगर आप 2-3 बंदे भी आते हैं तो आपका खाना पीना रहना जो है मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार रुपये का तो खर्चा है ही है। तो भाई वही खर्चा आप इनको दें, ये आपके लिए काम करके बैठे बैठे आप चारपाई पे बैठे ये आपको आपके जानवर ला के देते हैं। तो अभी हम लोग जानवर वगैरह लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह गोट फार्मिंग जो है मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हम लोग क्या बिजनेस करें क्या नहीं करें। आप 2 बकरियों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 बकरियां लें और उसके बाद अल्लाह जो है वो बरकत डालेगा उसके अंदर। आप जितने आपके पास पैसे हैं उसी से शुरू करें, अपने एरिए के हिसाब से साबिर से आके पूछें कि भाई यहाँ पे कौन सी बकरियां चलेंगी, वो बकरियां लें और अपना छोटा मोटा आप बिजनेस स्टार्ट करें। अब हर आदमी जो है वो एक दिन के अंदर जो है वो मिलियनेयर तो बन नहीं सकता, हर बंदा जो है वो बड़ी कंपनियां तो खोलने से रहा। तो हर आदमी यहाँ पे पाकिस्तान में मसला क्या है कि बड़े से बड़े खांचे के चक्कर में बैठा रहता है कि मैं कहीं से 15-20 लाख रुपए कमा लूँ और वो हो नहीं सकता है। आपको छोटे छोटे काम शुरू करने पड़ेंगे, इस तरह के काम, धोखेबाजी इसमें मत करें, जानवरों को अच्छे से पालें। तो ये है कि अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डालेगा। तो बस मेरी पर्सनल एडवाइस ये थी इस वीडियो में आने की कि जो एक साबिर गोट फार्म का जो एक इमेज बना रहे हैं लोग, और हर किस्म के लोग हैं, देखें आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हो ही नहीं सकता कोई किसी की तारीफ कर ले, सीधी सी बात है। और पाकिस्तानी पाकिस्तानी की तारीफ करे बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने ये करना है कि जो हमारे यहाँ लोग अच्छे काम कर रहे हैं आप बताएं जाके उनको कि भाई वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ताकि आप भी इस बिजनेस के अंदर आए, हेडेक आपकी कम हो। तो ये है कि अच्छी खासी आपकी भी इसके अंदर कमाई वगैरह होगी, छोटी सी भी अगर आपके पास जगह है, कोई आपने अपना रेस्ट हाउस बनाया हुआ है या छोटा सा कोई फार्म बनाया हुआ है तो इसको हल्के हल्के आप शुरू करिए। और मेरा नहीं ख्याल कि अब जैसे बाहर मेरे लोग बैठे हुए हैं वो लोग ये सोचते हैं कि यार हम पाकिस्तान में जाके अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। जो सिचुएशन चल रही है आप अपना पैसा इन्वेस्ट कहीं पे भी नहीं कर सकते, हर जगह कोई ना कोई ड्रामा हो रहा है, हर जगह कोई धोखेबाजी हो रही है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज के अंदर भी। ये जो जानवर हैं ये आपके पास कैश है, आपको नहीं पसंद आए मज़ा नहीं आए आप बेच दीजिए। तो ये है कि इसके अंदर बरकत अल्लाह ताला ने डाली है और इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करिए कि इस तरफ आए, खासतौर पे वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं। भाई आप कब तक बाहर बैठेंगे, मैं 50 साल बाहर रह के आया हूँ, 50 साल, और मैं बेसिकली मेरा पासपोर्ट भी वहीं का है, लेकिन मुझे अच्छी जगह जो लगी वो यही लगी कि पाकिस्तान है। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया दोनों अच्छी जगह हैं लेकिन इंडिया का तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलने वाला, तो इसलिए आप पाकिस्तान में ही आ जाएं, यहाँ पे अपना
जब तक आप बाहर हैं यहाँ अपना छोटा सा कारोबार सेट करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपने वहां से आना है। जब आप आएंगे यहाँ पे आप नौकरियां ढूंढते फिरेंगे, यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स ढूंढते फिरेंगे, आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आप दोबारा सऊदी अरब और दुबई के वीजे ढूंढेंगे, और नॉर्मली होता यही है। तो वाइल यू गाइज आर देयर, जब तक आप वहां पर हैं आप अपना कोई छोटा सा यहाँ सेटअप स्टार्ट करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।